अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। कर्नाटकातील एका महाविद्यालयामध्ये हिजाबवर आक्षेप घेतल्याने कर्नाटकामध्ये निदर्शने सुरू झाली आहे आणि त्याचे पडसाद आता महाराष्ट्रातही उमटताना दिसत आहे। सर्वत्र मुस्लिम तरुणी या आक्रमक झाल्या आहेत। काल जामनेर शहरात देखील याच संदर्भात नायब तहसीलदार यांना शहरातील मुस्लिम तरुणींनी निवेदन दिले। संविधानाने आम्हाला हा अधिकार दिला असल्याचं म्हणत हिजाबचे समर्थनही केले। मैं रजिया इब्राहिम पठान, एक टीचर भी हूँ। आज हम यहाँ पर हिजाब के मौके पर जो है ना, हिजाब के ऊपर जो इश्यूज़ बनाए जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर तहसीलदार साहब को मोमेंटम देने के लिए आए थे। दिया हमने। आज हिजाब को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो मसला उठा है कि हिजाब वाली लेडीज़ को कॉलेज या स्कूलों में परमिशन नहीं है, उसे बैठने नहीं दिया जाता, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो नारा है, हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमको टारगेट ये करना चाहिए कि हमारी बेटियाँ कितनी लिटरेट हैं और कितनी इलिटरेट हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए लिटरेसी पर, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो गोल है, हमारा गोल है कि हम इंडिया को कैसे लिटरल बनाएं, और लिटरल बनाना है तो फिर वाई आर थिंकिंग द अबाउट हिजाब? क्यों सोच रहे हैं आप लोग हिजाब के बारे में? हिजाब में हो लड़की, हिजाब में हो या बिना हिजाब के हो, वो बेटी है आपकी, वो बेटी किसी धर्म की नहीं है, वो बेटी पूरे देश की बेटी है। चाहे वो बेटी हिजाब वाली हो या बिना हिजाब वाली हो, पूरे देश की बेटी है। तो हमको चाहिए कि बेटियों को तालीम देना है। अब वो बेटी अगर हिजाब में तालीम हासिल करती है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। कोई लड़की हिजाब में तालीम हासिल नहीं करती, ये उसकी अपनी चॉइस है। व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग? आप क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? हमारा इंडिया मल्टी रिलीजन कंट्री है। हमारे अंदर जो है ना, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन के लोग होते हैं। हर एक रिलीजन के अपने अपने रूल्स होते हैं, उसको वो फॉलो करता है। तो किसी रिलीजन पर भी उंगली मत उठाइए। रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन एंड रेस्पेक्ट टू ईच अदर। हमको जो है ना, ह्यूमैनिटी को ज़्यादा गेन करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारी बेटी हिजाब वाली हो या बिना हिजाब वाली, कैसे वो आगे बढ़ेगी। हम यहाँ पर विनंती करते हैं प्रधानमंत्री साहब से और दूसरे बड़े बड़े नेताओं से, जिम्मेदार लोगों से, कि आप लोग चुप क्यों हैं? हमारी अपनी बेटी को जो है ना, शिक्षा के ऊपर भार दीजिए, क्योंकि एक सुशिक्षित महिला ही हमारे देश की सफलता की कुंजी है। हमारी सुशिक्षित नारी ही हमारे देश को का उद्धार करेगी। हम ये हमारे रिलीजन के अंदर हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज द हिजाब इज़ अ सेफ्टी कवर ऑफ वुमेन। तो वो बहुत सारी चीज़ों से हमको रुकाता है, बहुत सारी बुराइयों से हमारी सेफ्टी करवाता है। तो आप देखते हैं कि हिजाब में जब एक लड़की जाती है तो उसको जो मर्द बुरी निगाहों से देखते हैं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, एक हिजाब वाली लड़की को ये नहीं देखा जा सकता। और अगर वो देखने भी जाएंगे तो उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिलता। एक बिना हिजाब वाली लड़की को मर्द अजीब तरह से घूरते हैं। वो घूरने वाला मर्द भी स्पेशली किसी रिलीजन का नहीं होता, वो बुरी थिंकिंग का होता है। तो ये जो है ना, अपना हिजाब हमारी अपनी चॉइस है, हिजाब हमारा अपना रिलीजन है, हिजाब हमारा प्राइड है, और हिजाब इज़ अवर फंडामेंटल राइट। और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये हक दिया है कि हम हमारी चॉइस के बिना पर इस इंडिया में हम अपनी लाइफ गुजारें, हमारे अपने मुल्क, हमारे अपने देश में, चाहे फिर हम हिजाब के साथ रहें या बिना हिजाब के। तो जब हमारी अपनी चॉइस है कि हम हिजाब में रहकर आगे बढ़ना चाहती हैं, मुल्क को डेवलप करना चाहती हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं और तालीम हासिल करना चाहती हैं, शिक्षा के हम बहुत सारे स्टेप्स पार करना चाहते हैं, लेकिन हिजाब के अंदर, तो फिर आप कौन होते हैं कि हिजाब वाली लड़कियों को अंडरएस्टिमेट करने वाले? तो सो प्लीज़ डोंट अंडरएस्टिमेट द हिजाब गर्ल्स एंड डोंट टीज द हिजाब गर्ल्स एंड डोंट टारगेट द हिजाब गर्ल्स एंड डोंट इशू फॉर अ हिजाब। सो हमको चाहिए कि हम सब एक दूसरे के साथ में आए और ह्यूमैनिटी को देखते हुए एक दूसरे के रिलीजन की हम रेस्पेक्ट करें। और हिजाब के बारे में जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा रूल
को देता है कि हिजाब में हम लोग सेफ महसूस करते हैं तो हमको आगे बढ़ना है, तो बस हम उस रूल को फॉलो करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल के मुताबिक हम चलना चाह रहे हैं, तो सो प्लीज़ हमारे लिए अड़थड़ा या कोई अड़चन पैदा ना करें और हमको इसकी परमिशन दें। लास्ट में हम सब एक साथ बोलेंगे, हिजाब इज अवर प्राइड, हिजाब इज ओवर प्राइड, हिजाब इज अवर फंडामेंटल राइट, हिजाब इज अवर फंडामेंटल राइट, हिजाब इज अवर चॉइस, हिजाब इज अवर चॉइस, हिजाब इज अवर लाइफ, हिजाब इज अवर लाइफ, सो वी लिव विद ऑलवेज हिजाब, ऑलवेज हिजाब। लेकिन जो ये काम कर रहा है हिजाब के खिलाफ में उठ रहा है, इसका रिलेशन ना किसी पॉलिटिकल से होगा ना किसी मतलब कोई इंस्टीट्यूट से होगा, हो सकता है कि ये क्या बोलेंगे एंटी रिलीजिक लोग हैं, मतलब एंटी सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म जो हमारे मुल्क कंट्री जैसा है और सेकुलरिज्म को जो बढ़ावा देता है, हमको लाइफ देता है सेकुलर लाइफ, तो ऐसा एक ग्रुप है जो एंटी सेकुलर बन चुका है और वो चाहता है कि उनके राइट्स उनके चॉइस हर एक पर वो थोपे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है जबकि खुद हमारा खुद कंट्री हमारा खुद कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, फिर यहाँ पर किसी एक मजहब का होना या एक रिलीजन के रूल्स फॉलो करना मुमकिन नहीं है। टाइम जो है ना ये इशू होता है, लेकिन कोई नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ तब बनती है जब बहुत ज़्यादा वो आता है। कुछ रोज़ाना हम ऐसे बातें फेस करते हैं, अभी कॉलेजेस में हैं या मार्केटिंग में जाना है या कहीं पर जाना है, तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल या नॉर्मली इश्यूज़ हो जाते हैं छोटे पैमाने पर, छोटे पैमाने पर उसको हम निगलेक्ट भी कर देते हैं कि चलो जाने दो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अदर रिलीजन के होने के बावजूद भी हिजाब को जो है ना रेफरेंस करते हैं, वो रेफर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हिजाब को, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि, लेकिन उससे हम लड़ चुके हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ट्रेनिंग में थे, वहाँ पर भी हम पर भी ये बात उठाई गई थी कि मैम जो है ना हिजाब अलाउड नहीं है, अगर आप हिजाब निकाल कर बात करो तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से कोई डायरेक्टली बोलता है और कोई मतलब इनडायरेक्टली बोलता है, लेकिन बोलता ज़रूर है, उसको कैसे बता पेश करना चाहता है ये नहीं पता, लेकिन बार बराबर होता जाता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि लड़की की अपनी चॉइस होना चाहिए लाइफ में कि वो किस तरह रहती है, और फिर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको सिखाया है, तो हम इस हिजाब के अंदर जो हमारा प्रोटेक्शन कवर है हम वो सेफ फील करते हैं। जब हम खुद इसमें जीना चाहते हैं, इसमें हम सेफ्टी फील करते हैं, तो फिर अदर लोग हमारे लिए डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं कि आप हिजाब के बिना रहिए। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com ही आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।